हाउ यू डूइंग, कैसे हो आप? गाड़ी लेने का सोच रहे हो और कंफ्यूज हो कि मैं न्यू कार लूँ या सेकंड हैंड कार लूँ, तो इस वीडियो में वो सारा कंफ्यूजन क्लियर होने वाला है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और किस टाइप के पर्सन को, किस टाइप के ड्राइवर को कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, यूज कार लेने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे ताकि आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा कि आपको किस टाइप की कार लेनी चाहिए। तो देखो यार, मोस्ट ऑफ द पीपल वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार ऑलवेज बिकॉज उनको वो फीलिंग पसंद आता है, नया नया प्लास्टिक हटाना, फ्रेश चीज़, पूरा कैबिन फ्रेश लगता है, हर चीज़ एकदम अच्छा लगता है। तो इसलिए काफ़ी लोग न्यू कार लेना प्रेफर करते हैं और काफ़ी लोग के घर में भी बोलते हैं कि नहीं, गाड़ी लेनी है तो नहीं लेनी है, पुरानी गाड़ी नहीं लेनी होती है, अच्छा नहीं होता है वगैरह वगैरह। तो इसलिए सेकंड हैंड कार का थोड़ा परसेप्शन ख़राब है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सेकंड हैंड कार्स लेनी नहीं चाहिए। तो किस टाइप के पर्सन को क्या लेना चाहिए उस पर डिपेंड करता है। तो सेकंड हैंड कार किसे लेनी चाहिए, तो इसी अगर आपको थोड़ा गाड़ियों के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस है, थोड़ा प्रायर एक्सपीरियंस है, आपने गाड़ियाँ चला रखी है, आपको पता है कि उनमें कैसे मेंटेन करना होता है, किस पॉइंट के बाद क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ आपको पता है। आपके पास कोई अच्छा सर्विस सेंटर है, आपको पता है कि ये गैरेज पे सर्विसिंग अच्छी होती है, तो अगर ये सारी चीज़ें हैं आपके पास है तो आई विल रिकमेंड कि आप फिर सेकेंड हैंड कार या यूज्ड कार पे जा सकते हो। बिकॉज कैसा होता है ना, जो नए ड्राइवर्स होते हैं, जो पहली पहली बार गाड़ी ले रहे हैं या जो पहले पहले सीख रहे हैं, उनको थोड़ा पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है, उनको ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, वो थोड़ा वरी करते हैं, तो इसलिए दे वॉन्ट अ पीस ऑफ माइंड एक्सपीरियंस। तो इसीलिए फॉर देम इट इज़ सजेस्टेड कि यू कैन बाय अ न्यू कार जहाँ पे आपको अच्छी वारंटी मिलती है, फ्री सर्विसिंग मिलती है, हर चीज़ का आपको पूरा पैकेज मिलता है, जिससे आपको थोड़ा पीस ऑफ माइंड रहता है। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी पता है कार ओन करना कैसे होता है, क्या चीज़ें कैसे आप मेंटेन कर सकते हो, ये चीज़ों के बारे में अगर आपको ऑलरेडी क्लैरिटी है, तो आप यू कैन गो फॉर यूज्ड कार्स। और किसको यूज्ड कार लेनी चाहिए, अगर आपको आपके रिक्वायरमेंट का कंप्लीट क्लैरिटी है, मतलब अगर आपको पता है कि मुझे मेरे गाड़ी से क्या चाहिए, तो जिन लोगों को पता है कि गाड़ी किस लिए लेनी है और उसको स्पेसिफिकली उसके लिए लेंगे, मुझे हाईवे का रन करना है, बहुत ज़्यादा किलोमीटर चलाने हैं, तो मुझे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए, तो इस केस में मैं स्विफ्ट डिज़ायर या स्विफ्ट डीजल ले लूँगा सेकंड हैंड, बिकॉज मुझे पता है कि क्या चाहिए और मैं गाड़ी को उसी के लिए प्रॉपरली रगड़ लूँगा, प्रॉपरली यूज़ करूँगा। तो अगर आपको गाड़ी को प्रॉपरली रगड़ना है, प्रॉपरली यूज़ कर लेना है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप सेकेंड हैंड गाड़ी ले सकते हो। तो बहुत बार लोग जब नई कार लेते हैं ना, तो उसे बहुत प्यार से रखते हैं, बहुत उसका ख्याल रखते हैं, ज़्यादा रगड़ते नहीं है, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, वो करना ही चाहिए, गाड़ी को केयर करना ही चाहिए। तो इसलिए ऐसे जो लोग हैं दे शुड ऑलवेज बाय अ न्यू कार। लेकिन अगर आपको गाड़ी को रगड़ना है, आपको एक स्पेसिफिक यूज़ केस है, उस यूज़ केस के लिए आपको गाड़ी को यूज़ करना है, तो उस केस में आपको सेकेंड हैंड गाड़ी लेना चाहिए। और कोई स्पेसिफिक यूज़ केस है, जैसे आपको गाड़ी सीखनी है, आपको गाड़ी सीखने के लिए, कम्फर्ट होने के लिए, हाथ बिठाने के लिए एक कार चाहिए, तो आप एक सस्ती सी सेकेंड हैंड कार ले सकते हो, उसको प्रॉपरली रगड़ के सीख सकते हो, उसमें प्रॉपरली आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और ताकि अगर उसको भी कुछ हो गया या कुछ उसको वापस बेचना पड़े तो आपको बुरा भी नहीं लगेगा, बिकॉज आपने आपका पैसा ऑलरेडी वसूल कर लिया है। लेकिन वही जब नई कार होती है और उसको कुछ हो जाता है तो थोड़ा ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन यूज्ड कार लेते वक्त आपको एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि आप वो गाड़ी का इंस्पेक्शन काफ़ी अच्छे से करवा रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है, गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री कैसी है, गाड़ी में कुछ गलत तो नहीं है, इसलिए साथ में एक मैकेनिक को लेकर जाओ ताकि आप अच्छे से चेक कर पाओ कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, गाड़ी इज़ परफेक्टली फाइन फॉर यू। वरना अगर आप फॉल्टी प्रोडक्ट के साथ बैठ गए तो आपका लाइफ थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यूज्ड कार खरीदने का एक और एडवांटेज है कि आप थोड़े ऊपर के सेगमेंट की महंगी गाड़ी भी खरीद सकते हो, 20 लाख के आसपास बजट में भी काफ़ी अच्छे ब्रांड की सेकेंड हैंड सेडान्स यूज़ कर सकते हो। भले ही आप फिर उसको 5 साल में उसको बेचना पड़े या 5 साल में कुछ प्रॉब्लम आ जाए 5-10 साल में, लेकिन एटलीस्ट आपने वो 5-10 साल में उनको प्रॉपरली एन्जॉय किया होगा, प्रॉपरली पैसा वसूल किया होगा। बिकॉज जब आप उसी फीलिंग से लेते हो कि मुझे गाड़ी ये एंजॉय करने के लिए लेनी है, मुझे पैसा वसूल करने के लिए लेनी है, तो आप उसको प्रॉपरली वैसे यूज़ कर लेते हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, कभी कभी काफ़ी लोग ये चीज़ करते हैं कि 1 करोड़ की लग्जरी सेडान ले लेते हैं, काफ़ी सस्ते में मिलती है, आफ्टर मेनी ईयर्स 25-30 लाख में ले लेंगे, लेकिन ये बात भूल जाता है कि भले ही गाड़ी सस्ते में मिल रही है, लेकिन है तो वो लग्जरी कार है, तो वो एक्सपेंसिव कार, तो जब भी उसको मेंटेन करने जाएंगे तो मेंटेनेंस में तो प्रॉपर पहले जैसा ही मोटा खर्चा मांगेगी। डजंट मीन कि मेंटेनेंस उसका कम होगा, मेंटेनेंस उसका सस्ता नहीं होने वाला है। तो अगर आप ये सोच के गाड़ी ले रहे हो कि कम खर्चा होगा, सस्ते में मिल रही है, तो आप मेंटेनेंस का भी बात याद रखो कि आपको वो गाड़ी मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी पैसा देना पड़ेगा। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि न्यू कार खरीदना मतलब वेस्ट ऑफ मनी, बिकॉज बॉस कार इज़ अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। तो आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स जो कार की प्राइस कम हो जाती है, तो उसके बाद अगर आप वो गाड़ी ले लेते हो तो आपको एक काफ़ी अच्छी डील मिलती है, बेटर वैल्यू मिलता है, और आपको अगर कल को जाके उसे फिर से बेचना पड़े या स्क्रैप भी करवाना पड़े तो आपको इतना बुरा नहीं लगता, बिकॉज आपका पैसा वसूल हो गया है। तो इसीलिए काफ़ी लोग
आज भी सेकेंड हैंड थर्ड हैंड कार्स लेना प्रेफर करते हैं, और इंडिया में सेकेंड हैंड यूज्ड कार का मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और आजकल काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं जो सेकेंड हैंड जो यूज्ड कार को आपको प्रॉपरली चेक करके देंगे। उस पर आजकल आपको यूज्ड कार पे भी वारंटीज़ मिल रही है, यूज्ड कार पे भी आपको फ्री सर्विसिंग्स वगैरह मिल रही है, तो वो भी एक अच्छा इकोसिस्टम रेडी हो रहा है। और आगे चल के इंडिया में इवन बाइंग अ यूज्ड कार विल नॉट बी अ टैबू, उसके बारे में जो स्टिग्मा है वो स्टिग्मा विल बी नॉट बी देयर, और एक न्यू कार बाइंग का एक्सपीरियंस भी बहुत ईजी हो जाएगा, ताकि जो नए प्लेयर्स हैं जिनको गाड़ियों को मेंटेन करने के बारे में नहीं पता, जिनको गाड़ियों का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी सेकेंड हैंड कार बिना किसी डर के ले पाए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इससे ये होगा कि न्यू कार्स के प्राइसेस चेक में रहेंगे। यूज्ड कार लेने का एक और फ़ायदा ये है कि जो मॉडल्स डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, जैसे फोर्ड की आपको कोई गाड़ी लेनी है तो आप नहीं तो नहीं ले पाओगे, तो आप डिसकंटिन्यूड मॉडल्स भी आप परचेज कर सकते हो। जैसे अभी आजकल मारुति की कोई भी गाड़ी में डीजल नहीं आता है, तो अगर आप यूज्ड कार में जाते हो तो आपको एक अच्छी डीजल अर्टिगा मिल सकती है। आई होप ये वीडियो के बाद आपका न्यू वर्सेस ओल्ड कार का कन्फ्यूजन थोड़ा क्लियर हो गया हो। अभी अगर आपको कार लेना है तो आप अच्छे से डिसाइड कर पाओगे कि न्यू लेनी चाहिए या ओल्ड कार लेनी चाहिए। जल्द ही मैं मेरे वेबसाइट पर एक फीचर लॉन्च करने वाला हूँ, जहाँ पे आप और मैं एक कॉल पर जुड़ सकते हैं, एंड आई विल गिव यू प्रॉपर गाइडेंस कि आपके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कौन सी गाड़ी, कौन सा मॉडल, सेकंड हैंड या फर्स्ट हैंड क्या लेना प्रेफरेंस होगा, कि आपको मैं प्रॉपरली हर चीज़ समझाऊंगा कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन है इस टॉपिक के बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।